गोपी के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद मुझे लगा कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम सुधर गई हो और मैं बहुत खुश था मीरा, सच। लेकिन नहीं, लेकिन आज बिना मांगे तुम्हारे मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रहा हूं। अगर ऐसी गलती तुमने दोबारा की तो सजा देते वक्त मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बेटी हो। ओके, तो डैडा फिर क्या करेंगे? मुझे घर से बाहर निकालेंगे या फिर मुझे मार डालेंगे? Well, if that's the case, तो आप मुझे मार ही डालिए। Go ahead and kill me, Dad. इस घर में सिर्फ एक औरत की चलती है और वो है ये। पपिस की तरह सब इनके इशारों पे नाचते रहते हैं। ये कहीं दिन तो दिन, रात तो रात। पर I'm sorry, Dad. मैं ऐसे नहीं जी सकती हूँ। And that's why I hate her. मीरा, क्या करेंगी आप? मारेंगी? मारिए ना। वैसे भी आपके लिए किसी को मारना बहुत आसान है। मीरा, तुम अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रही हो। नो डैड, मैं सिर्फ और सिर्फ सच बोल रही हूँ। चुप, बेशरम। घर के बड़े बुजुर्ग खड़े हैं और ज़बान चला रही है। ये मत भूलो कि जिसे तुम औरत औरत गोपी गोपी कह रही हो वो तुम्हारी सगी माँ है। यदि तुम अपनी सगी माँ को माँ कहकर सम्मान नहीं दे सकती तो उसका अपमान मत करो। नहीं, और इनकी तरह मैं दिखावा भी नहीं कर सकती, इसलिए खुले आप सबके सामने कहती हूँ कि मैं इनसे नफरत करती हूँ। बड़े हर्षो उल्लास से मैं यहाँ आई। कितने वर्षों बाद मेरे घर में अपने परिवार के सदस्यों के साथ, अपने बच्चों के साथ सुख चैन और शांति से रह पाऊंगी। लेकिन अफसोस, I don't understand. इस घर में किसी के लिए रोना धोना तो कितना इजी है, पता नहीं कब ये ड्रामा खत्म होगा। बस हो गया मीरा, बहुत बोल चुकी हो तब से और सबने सुना है। देखो मीरा, हमारी धीरज की परीक्षा मत लो तुम। तुम मानो या ना मानो, सच यही है कि तुम इस घर की बेटी हो और हमेशा रहोगी। पर बेटी होने का फायदा मत उठाओ। चुप! कोई जरूरत नहीं हमसे बात करने की। पहले जाओ, जाकर बड़ों से किस तरह से बात करते ये सीख के आओ। और तब तक के लिए हमारे सामने आने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं, समझी? अब जाओ अपने कमरे में। अरे काकी। तुम? काकी, मेरा रूम कौन सा है? मुझे नहीं पता। काकी, आप मुझे मेरा रूम ढूंढने में मेरी मदद कीजिए ना। तुम्हें एक बार में बात समझ में नहीं आती राशि? मैंने कहा ना, मुझे नहीं पता। प्लीज काकी। जाओ यहां से। परी, बेटा आप मेरे साथ चलो, मैं आपको आपका कमरा दिखाता हूं।
जिस तरह आज तुम मुझे धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल रही हो, ठीक उसी तरह तुम्हें भी धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाला जाएगा। मीरा कहाँ? जी पापा, वो दी तो अपने रूम में होंगी, मैं उन्हें अभी बुलाकर लाती हूँ। आई गेस मीरा दी अपने रूम में नहीं होंगी, कि शाम को हमने उन्हें घर से बाहर जाते हुए देखा। हाँ मैंने भी देखा था मीरा को जाते हुए, लेकिन अब तक तो वापस आ गई होगी। नहीं काकी, दी अपने रूम में नहीं है। मीरा को फोन लगा और पूछो कि वो कहाँ है। सिंह तो जा रही है लेकिन फोन नहीं उठा रहे। दोबारा ट्राई करता हूं। मीरा, वेयर आर यू? प्लीज कम बैक। वो क्या है ना डैड, आपकी वाइफ ने मुझे अपनी शक्ल दिखाने के लिए मना किया है, इसलिए मैं घर से बाहर हूँ। What rubbish? और ये क्या बचपन है? Oh, come on, Dad. बचपन आ तो वो कर रही है। हमेशा मुझ पर रोक जमाती रहती है। ऐसे मत कर, वैसे मत कर, ऐसे बात मत करो, वैसे बात मत करो। Dad, मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ। And anyway, मैं ऐसे बिल्कुल नहीं जी सकती। मीरा, मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना कि तुम जहाँ भी हो घर आओ। पापा एक मिनट के लिए यहाँ आएंगे प्लीज। लेकिन तुम मेरी बात मानोगे या नहीं मानोगे? तुम हो कहां पे? मीरा, मुझे पता है तुम कहां खड़े हो। तुम इस वक्त मोदी हाउस के गेट पे खड़े हो। ये देखो इधर, प्लीज कम इनसाइड। नो डैड, आई एम नॉट कमिंग। ओके डैड, व्हाट इज दिस? यू कैन जस्ट होस्ट मी ऑल द टाइम। नहीं, अपने आप को संभालो और तुम यही रुको। जा रहा हूँ ना, जल्दी ठीक है, जल्दी से गाड़ी निकल। जी भाई जी, जल्दी जल्दी मेरी मीरा को ले आइए। संभाल, मैं अभी लेके आता हूँ मीरा को, बस मेरे मीरा। छोड़ो मुझे, छोड़ो, कोई बचाओ। माजी, मेरी मीरा को क्या हुआ? वो हमारे सामने हमारी मीरा को लेकर चले गए और हम कुछ नहीं कर पाए। हम कुछ भी नहीं कर पाए। गोपी बहू, संभालो अपने आप को, हमारी मीरा को कुछ नहीं होगा। मीरा यहाँ किसी को नहीं जानती, और किसी की उससे क्या दुश्मनी हो सकती है? माजी, काके जी, हमारी मीरा को कुछ नहीं होगा ना? कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। तुम शांत हो जाओ, वो सही सलामत घर वापस आ जाएगी। मीरा, जा राशि को अपने कमरे में ले जाओ और इसके लिए एक गिलास पानी लेकर। मीरा, ए छोड़, ए बंदो, तू क्या कर रहा है? गाड़ी रोक। हाँ
दुख तो सिर्फ उस बात का है कि वो जीप हाथ से निकल गई। अब हम कैसे पता लगाएंगे कि मीरा दी कहाँ है? उसकी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अब वो खुद हमें फोन करेगा। लाल गाड़ी में बैठते हैं, बाद में बात करेंगे। चलो चलो। तुम अंदर चलो। नहीं माँ जी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी जब तक हेम जी मीरा को लेकर यहाँ वापस नहीं आ जाते। मैं यही खड़ी रहूंगी और वैसे भी जो कुछ भी हुआ सिर्फ मेरी वजह से। ये तुम क्या कह रही हो गोपी बहू? हाँ माँ जी, यही सच है। मेरी हिम्मत ही मारी गई थी कि मैंने उसे बोला हमारे सामने नहीं आ देगी। बच्चे का पता नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी। पी लीजिए पानी, पी लीजिए थोड़ा सा पानी पी लीजिए। मुझे मेरी बच्ची चाहिए। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे, मुझे मेरी बच्ची चाहिए मीरा। बस गोपी बहू, अहम जिगर तोलू मोलू गए हैं ना, क्या तुम्हें उन पर भरोसा नहीं है? बहुत जल्द मीरा हमारे पास होगी, तुम बस धैर्य रखो। अहम जी, अहम जी, मीरा कहाँ है? मीरा कहाँ है अहम जी? मैंने अपना अपना संभालो। तोलू मोलू चिक्स, कैसे लगे तोलू मोलू को? हम उनका पीछा करते हुए उनके बहुत पास पहुंच गए थे और जैसे ही इनकी बाइक उस जीप के पास पहुंची, उन्होंने जीप से मार्बल फेंक दिए और उन्हीं मार्बल्स की वजह से बाइक स्किट हो गई और जीप हमसे बहुत आगे निकल गई। मैं मीरा कुछ नहीं होने दूंगा। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।